जिला बिलासपुर के गांव कुठेड़ा निवासी स्वतंत्रता सेनानी डंडू राम ने अपने अपमान से आहत होकर 4 दिनों से खाना पीना छोड़ घर भी नहीं गए हैं। 93 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी डंडू राम ने सरकार पर आरोप लगाए कि 9 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित करने के लिए उन्हें जिला प्रशासन से निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ था, मगर दिल्ली पहुंचने पर राजभवन के अधिकारियों ने ये कहकर निराश किया कि शिमला से उन्हें सम्मानित करने का स्वीकृति पत्र जारी नहीं हुआ है, जिस कारण आप सम्मान समारोह में भी शामिल नहीं हो सकते। जिला बिलासपुर के गांव कुठेड़ा निवासी स्वतंत्रता सेनानी डंडू राम ने अपने अपमान से आहत होकर 4 दिनों से खाना पीना छोड़कर घर भी नहीं गए हैं। 93 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी डंडू राम ने सरकार पर आरोप लगाया है कि 9 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित करने के लिए उन्हें जिला प्रशासन से निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ था, मगर दिल्ली पहुंचने पर राजभवन के अधिकारियों ने ये कहकर निराश किया कि शिमला से उन्हें सम्मानित करने का स्वीकृति पत्र जारी नहीं हुआ है, जिसके कारण आप सम्मान समारोह में भी शामिल नहीं हो सकते। स्वतंत्रता सेनानी की बेटी मीरा देवी ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना से उनके पिता बहुत आहत हुए हैं। उन्होंने वहां से घर आने के लिए मना कर दिया। वे बार बार एक ही बात कह रहे थे कि जिंदगी भर उन्होंने अपना जीवन बड़े गर्व आत्म सम्मान पूर्वक यापन किया है, मगर जीवन के 93 बसंत देखने के उपरांत ऐसी घटना घटित होने से वे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। यही आग्रह है कि इनसे बात करें, और इनका स्वास्थ्य प्रतिदिन गिर रहा है, और एक ऐसा सोच रहे हैं कि जो भी इतने स्वतंत्रता सेनानी आए थे वहां पर उनको सम्मानित किया गया तो मुझे क्यों नहीं किया गया, और आप भी ये खाना खुना कुछ नहीं खा रहे हैं, मैं भी इनसे बहुत परेशान है, तो मेरे से यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी इनके पास आए, सरकार की तरफ से कोई भी आए और इनको समझाए और इनसे कोई भी बात करे, ताकि इनको समझाकर कुछ 93 इनकी एज है, ताकि इनसे बात कर पूछा जाए और इनको समझाया जाए। मैं तो तंग आ गई है इनको समझा कर। फिर बुजुर्ग इतने उतावले हो गए, फिर हिमाचल भवन से हमारे साथ एक लड़का गया था, उसने रिक्वेस्ट की कि ये इनका लेटर आप देखो। फिर उन्होंने कहा कि इनको एक अप्रूवल शिमला से आनी थी, वो शिमला से क्यों नहीं आई हम नहीं जानते हैं, बिलासपुर डीसी से इनको अप्रूवल गई हुई है। तो फिर बाबा जी को उन्होंने बड़े मुश्किल से मनाया, मैंने भी बहुत उनको समझाया कि अब उन्होंने कहा कि उस लेटर के वो जो अप्रूवल शिमला से आनी है उसके बिना आपको अंदर मक्खी तक नहीं जाने दी जाती। फिर हम बाहर बैठे रहे थोड़ी देर, उसके बाद उन्होंने जो हमारे साथ गए थे गाड़ी में उन्होंने कहा कि बाबा आप चलो, अब आगे आप कार्रवाई करना। और हम वहां से बड़ी मुश्किल से बुजुर्ग को अपने घर तक बिलासपुर पहुंचाए। आज इनको 4 दिन यहाँ पर रहते, 9 तारीख का हम शाम को यहाँ पहुंच गए थे, तो तब से मेरे पास है और ना कोई अन्न खा रहे हैं ना कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरे से इतना धोखा हुआ है। ऐसा कैसे हुआ, जब मेरे को 2009 में सम्मानित किया गया था, तो अब ऐसा कैसे हुआ। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए स्वतंत्रता सेनानी डंडू राम ने बताया कि आजादी की लड़ाई के दौरान बाल्यकाल में ही उन्हें तत्कालीन कहलूर राजा आनंद चंद ने उन्हें 12 वर्ष का देश निकाला दिया था। उस दौरान 6 मास कारावास की सजा भी झेली थी। 12 वर्ष तक वे घर नहीं आ सके थे। देश आजाद होने के उपरांत वर्ष 1948 में वे भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट में भर्ती हो गए। वर्ष 1962 में चीन के साथ वर्ष 1965-71 में भारत पाक में हुए युद्धों में भी हिस्सा लिया। उत्कृष्ट सेवाओं के प्रति भारतीय सेना व भारत सरकार से भी उन्हें कई मेडल सम्मान पूर्वक प्रदान किए थे। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि उन्हें सम्मानित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मगर जो सरासर उनके साथ बद्दा मजाक कर उन्हें इस आयु के पड़ाव पर अपमानित किया है, इस प्रकरण की जांच की जाए, क्योंकि ये प्रकरण एक स्वतंत्रता सेनानी के मान सम्मान एवं स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। 13 साल अपने घर में नहीं आ सके, राजे का राज था, राजे ने निकाल दिया। एक बार जिला पत्र जवानी बोलने में देर थी, निकाल किस करने से दिया, फिर 7-2 साल रह जाओ, फिर कितने भी दिन ठहरेंगे बाहर। फिर मैंने सोचा कि जिंदगी बीत जाएगी, अब राजा जाने देगा क्या करे, तो फौज में भर्ती हो गया 48 क्या बताएंगे। फिर आए आकर यहाँ तो नीचे मानिए बढ़ गया था 18 राजे ने बस चला दिया, इतनी आए तो चट्टी लुआई लगी रहा चाह बनाने, मैंने चाह पिया थे बोले चाह बना, लेकिन चाह बनाने लगे तो वो बड़ी जो आई भाई खड़ा हो जा, खड़ा हो गया कुर्सी करने से,
30 रुपए जुर्माना लगाओ, बोले मैं एक पैसा नहीं कमाएगा, कितने दू कहीं शेजवर ले जाओ ठाणे, तो जो गया तो अंदर एक बाबा रहता है उसकी 120 साल उम्र थी, उसके पास गया लुआई पैर बंदे, तो क्या बात है मेरी बड्डी जो आए चार रुपया बनाने मेरी पिट थी सौ जो जुर्माना करता 20 रुपये मालत वर्दी भी नहीं पता लो 20 रुपये कख नहीं रहेगा इनका जाओ मेरे सामने की बात है कुछ नहीं रहेगा नाम अनुसार मिट जाएगा चल मैं ठीक हाँ। कार्यक्रम में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।